आप सड़क पे जब सफर करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे फ्लाईओवर और ब्रिज जो बने हैं सड़क के ऊपर, उनका पियर का शेप सर्कुलर होता है या तो रेक्टेंगुलर होता है, कुछ इस तरीके से। पर क्या आपने कभी देखा है नदी के ऊपर जो हमारे ब्रिज बनते हैं उनका शेप या तो सर्कुलर होगा या तो एरोडायनामिक होगा? ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ब्रिज के ऊपर खुद का अपना वर्टिकल लोड है, वो वर्टिकल लोड को बियर करता है और साथ ही साथ नदी के ऊपर है तो जो पानी की धाराएं चल रही हैं उनका भी एक अपना प्रेशर आता है, किस पे? पियर पे। इसलिए हम वहाँ पे सर्कुलर शेप देते हैं या तो एरोडायनामिक शेप देते हैं कि ताकि जो हमारे पानी का बहाव है अपस्ट्रीम से आए और इजीली डाउनस्ट्रीम की तरफ निकल जाए, वहाँ पे कम से कम हमारा धारा की जो प्रेशर है वो कम लगे हमारे पियर के ऊपर।